हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वेटर में एजिंग को किस तरह से दूर किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये मुड़ गया है। जब आप पॉन्चो या शॉल वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से ये मुड़ जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बताऊंगी, आप यहाँ पे लैस टाइप का बना सकते हो किस तरह से, जिससे एजिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर एक सैम्पल बता रही हूँ मैं, तो इसको हम उल्टी साइड से, इसकी एजिंग को दूर करने के लिए इसको उल्टी साइड से हम फंदे लेंगे। यहाँ से हम पहले 6 फंदे लेंगे, 1। अगर सेम कलर लगाना है आपको तो सेम कलर ले लीजिए, और अगर कोई और कलर लगाना है तो उसको भी आप ले सकते हैं। मैंने अलग कलर लिया हुआ है। अब इसको लेंगे और यहाँ पर जो है पहले हम इसको बिनेंगे इस तरह से, यहाँ से गांठ बांध देंगे जिससे हमारे फंदे जो हैं वो ना निकले। अब जैसे हम करते हैं कि दो पर हम दो निडल पर हम धागा रखते हैं लेकिन बिनते एक हैं, उसी तरह से करना है। दो पे धागा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इस तरह से दो पे धागा रखना है, बिनना एक है। इससे ये फंदे जो यहाँ फिक्स हो जाएंगे, अब निकलेंगे नहीं। अब हम यहाँ लगाएंगे इसको, निडल आगे की साइड कर लेंगे, यहाँ पे वेट लगा देंगे और 6 सलाइयाँ जो हैं वो हम चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या करना है, ये वाला हमें ट्रांसफर टूल लेना है। यहाँ से हम 3 फंदे निकालेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से हमें अब फिर 3 फंदे लेने हैं। स्टार्टिंग जब की थी तो हमें 6 फंदे लिए थे, अब 3 फंदे लेने हैं हमें। इसको हम आगे कर दे रहे हैं, इसी के बराबर से जो है वो हम फंदा लेंगे, इसमें डालेंगे। वेट लगा देंगे। फिर से हमें 6 सलाइयाँ बनानी हैं, 6 बार इसको चलाएंगे। जिस पे स्वेटर बनता है उसी हिसाब से अपनी वूल को आप सेट करेंगे। नॉर्मल टाइप की वूल है तो मैंने इसको 7 नंबर पर सेट किया हुआ है। अब 6 बार फिर चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद फिर से हम 3 फंदे निकालेंगे और इन वाले 3 में हम डाल देंगे, और यहाँ से हम जो हैं फिर से 3 फंदे लेंगे। यही सेम प्रोसेस जो है वो आपको रिपीट करना है। एक बार बता दे रही हूँ, फिर ऐसे ही आपको जहाँ तक करना होगा वो आप कर लेंगे। एक बार यहाँ आप समझा देती हूँ। 6 सलाइयाँ चलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 3 फंदे निकाले, इसमें डाले, और इधर से हमने फिर से जो है वो अपने 3 फंदे ले लिए। हम आगे कर देंगे। यही सेम प्रोसेस जैसे मैंने किया है वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। मैं यहाँ तक बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये हमारी बनकर आई है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक कर लिया है। हम लास्ट में आ गए हैं, वही सेम करना है। 3 फंदे निकालने हैं, डालने हैं। अब लास्ट में आपके 1, 2 जितने भी फंदे बचेंगे उतने आप ले लेंगे।
अब इसको फिर भाई 6 बार चलाएंगे, 2 बार। अब यहाँ लास्ट में फिर वही सेम प्रोसेस करना है इस तरह से। यहाँ पे कम फंदे हैं तो इस तरह से आप कर लीजिए, 2 ले लीजिए यहाँ से और हम सारी फंदे जो हैं अब उतार देंगे। फंदे उतार के फिर अभी उतार लिए हैं, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आपका बनकर आया है। ये देखिए इस तरह से ये आपका आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने चारों तरफ से लैस की हुई है। आपको इस तरह से बना लीजिए और आपकी एजिंग ख़त्म हो जाएगी। और इसको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बैक साइड से फंदे डालने हैं।